हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट रागिनी चोलकर। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन टैबलेट की। इस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप संपूर्ण जानकारी देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन टैबलेट जो होती है 50 mg, 100 mg, 200 mg में अवेलेबल होती है डोज स्ट्रेंथ में। अगर इसके सब्स्टिट्यूट की बात की जाए तो सैक्यूबिट है, एजामार्डा है, वायमेडा है, सिडमस है, वेलसेक है। इसके अलावा ये अपने कई अदर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन ड्रग कंपोनेंट है सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन ही होगा। अब बढ़ लेते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकता है। 50 mg की जो टैबलेट होती है वो आपको 70 से 80 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके अलावा 100 mg की टैबलेट 80 से 85 रुपए के बीच में मिल सकती है। 200 mg की जो टैबलेट है 90 से 100 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। कई कंपनियां इसे 14 टैबलेट की पैकिंग में बनाती हैं और कई कंपनियां 28 टैबलेट की पैकिंग में निकालती हैं। तो फ्रेंड्स, पैकिंग के हिसाब से भी इसके जो प्राइस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम जानेंगे इसके उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स, सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन जो टैबलेट होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर की एक न्यू क्लास से फर्स्ट एजेंट होता है ये, जो कि क्रोनिक हार्ट फेलर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसका मेन यूज होता है क्रोनिक हार्ट फेलर के पेशेंट के लिए और हार्ट अटैक के जो पेशेंट है उनमें ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा कुछ इसके अदर यूज हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा रहता है तो उसे लो करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनमें किडनी की अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट को भी ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा अगर एसी इनहिबिटर है, जैसे एनालेप्रिल है, लिसिनोप्रिल है, रेमिप्रिल है, अगर ये दवाइयाँ पेशेंट में काम नहीं कर रही हैं, इसके अलावा अदर जो दवाइयाँ हैं जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर इनहिबिटर है, जैसे वेलसार्टन, टेलमीसार्टन, लोसार्टन, ये टेबलेट अगर पेशेंट में काम नहीं कर रही है तो इन दवाइयों के बाद अगर ये दवाइयाँ पेशेंट में काम नहीं कर रही है तो बीपी कम करने के लिए ये सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये रही फ्रेंड्स इसके उपयोग की कंप्लीट जानकारी। टैबलेट के अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन का रहना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में बना रह सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, नंबनेस होना, टिंगलिंग की प्रॉब्लम आना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट पेशेंट में देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कई तरह के साइड इफेक्ट सामने आते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सैक्यूबिट्रिल एंड वेलसार्टन टैबलेट की अगर डोज की बात की जाए तो ये टैबलेट पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार लेने को कहा जाता है, जो कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके बाद ये जो टैबलेट होती है खाने के पहले या खाने के बाद भी ली जा सकती है। आपके डॉक्टर ने जिस तरह से लेने के लिए कहा है उसी तरह से लेना है। ड्यूरेशन जो है डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जितने समय के लिए लेने के लिए कहा है आपको उतने समय के लिए ही लेना है। खुद से इस टैबलेट को लेना बंद नहीं करना है जब तक आपके डॉक्टर आपको नहीं कह देते हैं। इस टैबलेट का उपयोग अदर जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होता है उसके साथ ही प्रिस्क्राइब की जाती है। ये टैबलेट 1 साल के बच्चे से लेकर ओल्ड पेशेंट तक प्रिस्क्राइब की जाती है, जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं, और ये टैबलेट बिल्कुल सेफ टैबलेट मानी गई है। अपने डॉक्टर से अपनी सारी डिसीज हिस्ट्री वगैरह आप शेयर कीजिए। अल्कोहल के साथ इस टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस टैबलेट का जो इनिशियल डोज है, अगर रिकमेंडेड डोज की बात करें एडल्ट पर्सन में जो क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उनमें 100 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है दिन में 2 बार दी जाती है। ये
2 से 4 हफ्ते के लिए लेने के लिए कह सकते हैं डॉक्टर। इसके बाद जो है मेंटेन थेरेपी के रूप में 200 mg की टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और ये जो टैबलेट होती है केवल डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है और ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। कोई भी टैबलेट बगैर डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना है। यहाँ केवल जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इस टैबलेट के अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की जाए, यानी किन किन पेशेंट में इस दवाई को लेने से बचना है, या अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करें ताकि वे डोज एडजस्ट कर सके या आपको कोई और दवाई दे सके। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जैसे अगर प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस कंडीशन में इस टैबलेट को लेने से बचना है और अपने डॉक्टर को बताना है। लीवर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसी इनहिबिटर से अगर आपको एलर्जी हुई थी कभी, एलर्जी है तो इस कंडीशन को शेयर करें। अगर लो सॉल्ट ले रहे हैं आप, आपका बीपी कम रहता है, इसके अलावा स्वेलिंग रहती है, तो ये सभी कंडीशन अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।